वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक जॉब के बारे में, मतलब जॉब नहीं है, कोर्स है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी मैं दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पढ़ूँगा। देखिए 6 महीना का ये कोर्स है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रहना फ्री मिलेगा, ठीक है, रहना फ्री मिलेगा हॉस्टल, फिर आपको यहाँ पे खाना फ्री मिलेगा 3 टाइम और शाम को भी, ठीक है, नाश्ता। ये हो गया रहना खाना, ड्रेस मिलेगा आपको, ठीक, ये भी फ्री रहेगा, कोई भी पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। 6 महीना का एक कोर्स है, सीपेड कोर्स, इसमें आपको जो है फ्री में कोर्स 6 महीना कंप्लीट करना होगा और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जब आप 6 महीना कंप्लीट होएगा ना, उसके 5वें महीने में ही आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा किसी कंपनी में, ठीक है। और कंपनी में मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम, ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक। और पोस्टिंग आपको झारखंड या आउट ऑफ झारखंड में भी मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन एडमिशन करा सकता है, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले देखिए यह आपकी रांची में है, झारखंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक। यह जो है रसायन, पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है और झारखंड में इसका एक पार्ट बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रायोजक लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, सूक्ष्म एवं, यार डायरेक्ट काम की बात करते हैं ना, नहीं कितना फॉर्मेलिटीज निभाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023-24। अब इसमें क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंपल इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए, ठीक, और यह कोर्स जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि भारत सरकार उपक्रम के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसमें आपका भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, ठीक, हब योजना के अंतर्गत सीपेट रांची द्वारा प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निःशुल्क रोजगार उन्मुख कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ठीक है, सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम के योग्य उम्मीदवार यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए पोस्ट का नाम है जिस पे आप एडमिशन लेंगे, या ट्रेड का नाम है आपका, या कोर्स का नाम है मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ये आपको सीखना होगा 6 महीना, फ्री में रहिए खाइए पिए आराम से एकदम 6 महीना, और 5 महीना कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपको किसी कंपनी में हो जाएगा इंटरव्यू, 6ठे महीने से आप जो है कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, 7वें महीने से आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास है, इसमें जाने के लिए कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका कि प्रशिक्षण, आवास, भोजन, ये सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी फ्री में निःशुल्क, ठीक है, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग नहीं दिया गया है, मतलब केवल और केवल ST और SC के लिए है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि OBC होंगे और जनरल होंगे, ठीक है, ST या SC नहीं है, तो ST और SC के लिए स्कीम है। बट अगर आप OBC जनरल हैं फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत प्रकार की कोर्सेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो है स्पेशली झारखंड के लोगों को लिया जाएगा, आउट ऑफ झारखंड के लोगों को लिया जाएगा तब जब इसमें जो है सीट फुल हो जाएंगी। कुल सीट कितनी है, तो 30 अभी सीट हैं, ठीक है, 30 कैंडिडेट को लिया जाएगा, जो पहले जाएंगे उनको पहले लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि चयन प्रक्रिया, आपको एक काउंसलिंग होगा, मतलब कि एक तरह से आपको पूछा जाएगा, इंटरव्यू होगा, बस इंटरव्यू पास कर जाएंगे आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो बोला गया है कि योग्य अपने, जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं अपने आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप में समस्त दस्तावेज जैसे कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने भी सर्टिफिकेट हैं उन सभी के ओरिजिनल, आवासीय जाति, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, और अगर आप केवल जनरल से हैं तो आप केवल अपना आवासीय प्रमाण पत्र लाएंगे, इन सभी को जो है आपको इस ईमेल पे सेंड करना है, ठीक है। या फिर अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इसमें से किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके इसमें
डिटेल ले सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं। बेझिझक फ़ोन कीजिए, डरना नहीं है, वे आपको कॉपरेट करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है, अगर आपको जाना है तो। और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अभी आपका काउंसलिंग डेट है 21 अगस्त को, 21 अगस्त को आपका काउंसलिंग होगा, समझ लीजिए कि इंटरव्यू होगा वहाँ पर एडमिशन के लिए। तो ST और SC कैंडिडेट जो भी हैं आप, या फिर अगर आपका कोई दोस्त SC या ST है तो उनको बता दीजिएगा। और OBC जनरल के लिए भी अदर स्कीम से जब आप कॉल करेंगे इनको तो ये आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसका PDF का लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसको खुद डाउनलोड करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।